हमारे चैनल पे तो कल लास्ट नाइट कल रात को मैं गाइस वीडियो एंड करना भूल गया था बिकॉज मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं था, सिर्फ डिनर किया, उसके बाद प्रोजेक्ट पे काम पे लग गया था, तो इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो मैं शूट भी नहीं किया और वीडियो भी लेट से आएगी बिकॉज थोड़ा इधर उधर हो गया। और अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 7:35 के ऊपर हो गया, तो फटाफट से करते हैं प्री वर्कआउट दो के लिए खाते हैं उसके बाद चलते हैं। और आज है फुल वर्कआउट हमारा, तो आज फुल कोशिश करेंगे टाइप वर्कआउट करेंगे, टाइप पैसे और फोटोज लेंगे, स्पेशली रियल टाइप वाला लेंगे और स्ट्रेस भी करना है। तो स्ट्रेस करना मेरा छोड़ देना बन गया, यहाँ पर स्ट्रेन आया है, तो स्ट्रेन अभी तक है तो पता नहीं इससे क्या है, वो फाइन है कि नहीं ठीक हुआ तो नहीं होगा पर आज स्ट्रेस करेंगे अपने, तो स्ट्रेस करना ज़रूरी है ट्रैप्स के लिए, तो आज करेंगे अपने A few moments later. डेडलिफ्ट सबको लगाना जरूरी है ओवरऑल बैक डेवलपमेंट के लिए। तो पहला सेट मैंने वार्म अप लिया, उसके बाद ये लास्ट हैवी सेट है। मैं ये सेट के ऊपर आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मेरा बॉडी लेवल उस टाइप का नहीं जा रहा, तो अभी डाइट वैसे आपसे होगी तो उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिक कर पाऊँगा। उसके बाद मैंने किया बेंट ओवर रोज, उसके भी मैंने 3 सेट लगाए। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास बैजिप में बेल्ट है तो ज़रूर से बेल्ट को यूज़ करो ताकि आपको बैक को थोड़ा इवन फील हो, आप बैक आपके बैक को सपोर्ट मिलेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाओगे। कुछ कुछ एक्सरसाइज में आपको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ एक्सरसाइज में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि लैट पुल डाउन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके बाद मैंने किया 1 आर्म रोज, कॉज टी बार मैंने रोज लगा रहा था तो मैं सोचा कि कुछ नया करते हैं, तो आज मैंने ये ट्राई किया। इसको मैंने स्पेसिफिक लैट्स के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है, तो मैंने आपको लैट्स को फील करने के लिए अपना हाथ वहाँ पे प्लेस किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्क्वीज कर पाऊँ लेट्स को। उसके बाद मैंने फेस पुल्स किए, मेरा रियर डेल्ट में से मैंने बचाया है कि वो मेरा वीक पार्ट है, तो ट्राई किया मैंने उसको बढ़िया से बढ़िया आप वो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। इसके लिए मैंने 3 सेट लगाया, उसके बाद मैंने 2 सेट और लगाए थे पर मैंने दिखाया नहीं आपको, 2 एक्सरसाइज लगाए थे सेट्स नहीं। इसके बाद हमने बाइसेप्स कर्ल किए बिकॉज मैंने इस पर करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सीटेड करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट फील होता है मेरे बाइसेप्स पे, जैसे मैं ये ट्राई करता हूँ मोस्टली ऑफ द टाइम। उसके बाद मैंने हैमर कर्ल्स किए, हैमर कर्ल किए बिकॉज हैमर कर्ल्स जो आपको फोर आर्म्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसके मैंने 3 सेट लगाए, स्टार्टिंग आउट विद 10 kg के डम्बल से लेके 15 kg तक गया मैं इसमें। और उसके बाद मैंने किया 4 बाइसेप्स कर्ल यूजिंग केबल, और आज थोड़ा एंगल मैंने चेंज किया ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँ कि कैसे पंप आता है बाइसेप पे। और जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत ही एक्सरसाइज, शोल्डर इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत है पर जो पंप इसके बाद जो मुझे फील हुआ बहुत अच्छा था, और ज़्यादा मैंने हैवी नहीं किया, लास्ट सेट में गया था करीब 40 kg और ये था करीब 30 kg। और फिर लास्ट में पुश करने के लिए खुद को ही बोलना पड़ता है खुद को। और इसके बाद मैंने किए 4 आर्म्स, और इसके बाद मैंने रिवर्स कर्ल भी लिया। और आप देख सकते हो एक साथ पंप आता है आपका पूरे 4 आर्म्स में, पूरे वेंस अनलॉक हो गए थे पर मैं फोन अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया, और होप्स नेक्स्ट टाइम अच्छे से कैप्चर कर पाएगा। उसके बाद मैंने 3 सेट लगाए रिवर्स के, और ज़्यादा हैवी वेट जाने की जगह मैंने लाइट वेट किया ताकि मेरा अच्छे से अच्छे ज़्यादा ज़्यादा फोकस आए उस पर। और इसके बाद मैंने गाइस 4 आर्म्स किए, तो 4 आर्म के और वीडियो आने वाली से मैंने कल पिछले वीडियो पर बताया था, तो शॉर्ट्स आने वाला है आपको जल्दी मिल जाएगा वो चैनल पर। इसके मैंने 3 वेरिएशन ट्राई किए, रिवर्स किया, फ्रंट किया और बैक किया। वैसे अभी मैं डेली लाइफ भी चालू करने वाला हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अभी जिम पे रखा है, उसके बाद अभी डेली लाइफ में चालू करूँगा तो अभी मेरे प्रोजेक्ट्स के काम चल रहे हैं और फाइनल सबमिशन चल रहे हैं, इसके वजह से मैं वीडियोस अच्छे से अभी बना नहीं पा रहा हूँ, और आज भी ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं बनाई है, मैंने अभी कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। तो आने वाले टाइम पर आपको मेरा थोड़ा ही पार्ट जिम का दिखेगा और मैक्स टू मैक्स मेरा लाइफ का दिखाना चाहूँगा मैं आपको। तो मिलते हैं हमारे
A few moments later. आज का वर्कआउट बहुत ही अच्छा था और आज हमने जो भी किया मजेदार था, जो भी किया बैक किया, शोल्डर्स किए, रियर डंप किया और बाइसेप किए और फोरआर्म्स में अलग अलग डेली कॉल एक वीडियो आने वाली है उसके रिलेटेड भी। तो अभी फटाफट चलो शेप बनाते हैं। आज मुझे बहुत सारे काम है, सारे के सारे अपने गंदे कपड़े धोने हैं, उसके बाद फिर भी थोड़ा बहुत साफ करना है। बस मम्मी दो दिन में आने वाली है, थोड़ा बहुत साफ सफाई करनी पड़ेगी नहीं तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो फिर फटाफट से शेक बनाते हैं, पीते हैं, उसके बाद वीडियो भी एडिट करने बाकी है। तो वीडियो पहले एडिट करेंगे, शेक कर शेक साथ में कंज्यूम कर लेंगे और उसके बाद बाकी सारे काम करेंगे। तो देखते रहना आज का दिन कैसा आता है हमारा। तो गाइस जो भी चैनल पे नया, प्लीज़ एक चीज़ में बोलना चाहूँगा, आप वीडियो पूरी देखो ना देखो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर से दबा दो। बस इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा आप भी मेहनत दिखा दो और लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि हमारा चैनल जल्दी से ग्रो करे और जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट करे। तो गाइस कर देना यार, अच्छा लगता है। चलो फटाफट शेक बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सबसे।